हेलो, वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच नी आइडल। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ सालों से बॉलीवुड में एक नया नाटक शुरू हुआ है कास्टिंग डायरेक्टर का। पहले कास्टिंग डायरेक्टर किधर थे पता नहीं, कहाँ से पैदा हो गए ये समझ में नहीं आ रहा। हॉलीवुड में ये कास्टिंग डायरेक्टर का चलो डिपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पे बॉलीवुड में भी शुरू हो गया काफी साल से। तो मुझे अजीब लग रहा है, अजीब इसलिए लग रहा है कि एक्चुअली आए किधर से। मगर ये लोग जो कास्टिंग डायरेक्टर होते वो तो ऐसे बिहेव करते कि ये लोग मतलब भगवान है। मतलब बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी लोग ऑडिशन करवाते, फिर नए लोगों से ऑडिशन करवाते वो समझ में आते हैं। जैसे मतलब उनको कुछ पता नहीं, नए लोगों को तो उनको उन्होंने कुछ देखा भी नहीं उनका काम, तो समझ में। लेकिन जो पुराने आर्टिस्ट थे उन्होंने 50-100 फिल्में की है, उनसे ऑडिशन करवाते, दैट इज द लिमिट। और ये लोग क्या सोचते हैं ये कास्टिंग करके मतलब एकदम परफेक्ट कास्टिंग करते। कितनी फिल्में देखता हूँ मैं, यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो लोग कास्टिंग करते हैं, उसके बाद भी तो फिल्म देख के लगता है यार ये एक्टर को लिया ही क्यों, इसे फिट ही नहीं हो रहा है। तो व्हाट द यूज ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर। सबसे बड़ा इंसल्टिंग क्या होता है, अब समझो कोई एक बहुत सीनियर एक्टर है, यहाँ तक मैंने एक बार सुना था कि मुन्ना बाय MBBS उसकी उसके लिए एक सीन के लिए एक्टर परिशेष सहानी, उनके जो पिताजी एकदम मंजे हुए कलाकार है, कलाकार थे सॉरी, द लेट ग्रेट बलराज सहानी साहब, व्हाट एन एक्टर, नेचुरल एक्टर। आप देखो उनकी फिल्म में 2 बीघा जमीन सब फिल्म में, व्हाट द परफॉर्मेंस। आप फिल्म देखा भूल जाओगे बलराज सहानी जी है, आपको वो बंदा ही दिखेगा जो कैरेक्टर नजर आएगा आपको, दैट वाज परफॉर्मेंस। तो वो अब उनके बेटे को मुन्ना भाई MBBS में एक सीन करने के लिए उनको 2 बार ऑडिशन देना पड़ा। अरे तो ऑल हैव सीन बलराज सहानी ऑल दीज इयर्स, तो इज अ सीनियर एक्टर, तो आपको पता होना चाहिए यार ये एक्टर कर सकता है काम, तो उनका ऑडिशन लेने की जरूरत क्या है। नए लोग ऑडिशन लेना चाहिए तो समझ में आता है, फिर क्या होता है नहीं सब ऑडिशन लेने आते। जैसे मान लो मुझे फिल्म में काम, हालांकि मुझे तो कोई लेगा नहीं, लेकिन बात बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू एक्ट इन अ मूवी और मैं भी जाता हूँ ऑडिशन करने के लिए, तो मेरा काम तो किसी ने देखा नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में काम नहीं किया फिल्मों में, तो ऑब्वियसली मेरा तो मुझे तो ऑडिशन देना ही है। तो मुझे अगर उस एक सीन के लिए ऑडिशन देना है तो वही सीन के लिए कोई ऐसा एक्टर भी आता है जिसने 70-80 फिल्में कर दी है, वो भी आके वही सीन के लिए ऑडिशन करता है, दैट इज एन इंसल्टिंग फॉर हिम। मेरे लिए तो बड़ी बात है यार, मैं तो ये बड़े इतने बड़े एक्टर के साथ में वही डायलॉग में बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ी बात हो जाएगी यार किसी नए बंदे के लिए, लेकिन बिल्कुल इंसल्टिंग फॉर दैट सीनियर एक्टर। वो बोलेगा यार मैं इतनी फिल्में कर रहा हूँ, मुझे ऑडिशन इस उल्लू के साथ देना पड़ रहा है, तो दैट इज द थिंग है। तो ये कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना, ये उल्लू के पिल्लू होते हैं एक्चुअली, उल्लू खुद को कुछ समझ में नहीं आता है किधर। और कास्टिंग डायरेक्टर छोड़ो, उनके जो असिस्टेंट होते हैं ना उनको इतनी अक्ल होती है ना जितनी अगर राजामौली सबको भी नहीं रहेगी, ना राजकुमार ईरानी को रहेगी, या पहले जमाने के मनमोहन देसाई साहब, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, जो सब थे राजकुमार कोहली जी, उतनी अगर उनको नहीं थी जितनी कास्टिंग डायरेक्टर के एक्सीडेंट को होती है। वो लोग सबको उनको भगवान समझते हैं, मतलब उनको क्या लग रहा है वो जो कास्ट करेगी वही फाइनल होता है। तो पहले के जमाने में तो फिल्में बनती थी, उधर कास्टिंग डायरेक्टर नाम सुना नहीं था, तो बड़ी बड़ी ब्लॉक बस्टर तभी भी शोले बनी, तभी मोगलेजा बनी थी। तो पहले के जो डायरेक्टर थे वो लोग कैसे कास्ट करते थे, उनको डाकू की फिल्म बनाई, फिल्म ऑन डेकॉइट, तो उनके दिमाग डाकू की फिल्म में किसको लेना चाहिए। तो पहले वो लोग आया, सबसे बेस्ट तो सुनील दत्त साहब ही लगते हैं, द लेट ग्रेट दत्त साहब। सुनील दत्त साहब डाकू के रोल में सबसे परफेक्ट बैठे, नंबर वन, जिन्हें दूंगा जो भी फिल्म में उनकी डाकू की परफेक्ट रोल करते थे, तो उनके दिमाग सुनील दत्त साहब है। इज बिजी विनोद खन्ना साहब सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे धर्म जी, तो ये तीन पहले डाकू के रोल में रिएक्शन आउट ऑफ नाउ एक्शन फिल्म, धर्म जी लोग, बच्चन साहब लोग ऑलराउंडर, तो बच्चन साहब रोमांस की फिल्म बनाए, तो लोग देव साहब, जितेंद्र, ऋषि कपूर जी, ये लोग दिमाग में होते थे। तो कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत क्या है, वो लोग ऐसे ही कास्ट कर लेते थे। तो आजकल एक कास्टिंग डायरेक्टर का जो नाटक निकला वो मुझे तो आजकल कुछ सालों से निकला मुझे अजीब लग रहे हैं। ऑडिशन लीजिए, नए बंदों का ऑडिशन लीजिए, जो सीनियर एक्टर है जो सालों से काम कर रहे हैं उनका ऑडिशन मत लीजिए, उनको इंसल्ट फील होता है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये सब निबंध होना चाहिए, क्योंकि ये कास्टिंग डायरेक्टर पहले किधर से पैदा हो गए वही समझ में नहीं आ रहे, और पैदा हो गए तो इतने बड़े कैसे हो गए वो भी समझ में नहीं आ रहे। मतलब पता नहीं लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर से बगैर भी काम हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अभी तो मीडिया और जो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया, तो कोई भी एक वीडियो क्लिप डाल के डायरेक्टर को भेज सकता है, डायरेक्टर देख सकता है यार हाँ ये बंदा एक रोल के लिए फिट है। आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम करे, लेकिन भगवान ना समझे अपने आप को। ये मेरा उनको बुरा लगे तो बुरा लगे,
मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ये दिमाग में था इसलिए मैंने बोल दिया। फिर वो तालियां दिन तो तालियां दीजिए, गालियां दिन तो गालियां दीजिए, बट कीप वॉचिंग माई चैनल बॉबी द मैटनेस बॉय, से गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।